गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी ने हम सबका हाल बेहाल कर रखा है। इस मौसम की जहां कुछ खासियत है तो वहीं कुछ सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। इस मौसम में होने वाली परेशानियां कौन सी हैं, उनसे हम बचाव कैसे करें, आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, खाने पीने में हमें किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी को, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हम स्वागत करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बसुंधरा से आए बच्चों का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में हम हेल्दी और फिट कैसे रह सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपना खान पान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो किड्स आइलैंड और मैं हूँ आपके साथ ऋचा तिवारी। दोस्तों, एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं और आज हर कोई एजुकेशन के महत्व को भी समझ रहा है। हम अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन यदि फिर भी हम उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं या उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जितनी की हमने उम्मीद की है, तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बात आती है टैलेंट की तो वहाँ स्कोर काम नहीं करता। हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, जैसे कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है तो किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और किसी के पास क्रिएटिव आइडियाज की भरमार होती है। और आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया है संगीता जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन। साथ ही हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रुजिटा विलियम मैम को। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। स्वागत करते हैं सरस्वती बाल मंदिर पश्चिम बिहार से आए बच्चों का भी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्किल्स एंड स्कोर में से आज के समय में क्या इम्पोर्टेंट है और दोनों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? जनरल एजुकेशन एंड स्किल बोथ आर इक्वल, लेकिन अगर इस कोर्स नहीं अब बच्चे ले पाते हैं तो आज हम देख रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं या डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं उस डिप्रेशन या निराशा से? आप नॉर्मल तरीके से अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को और अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें जरूर लिख भेजिए, हमें आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट, टेक केयर एंड गुड बाय। हमें बच्चों से भी जानना चाहिए कि वो किस तरह के प्रोग्राम लाना चाहते हैं अपने। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को किसी ना किसी प्रतिभा का उपहार दिया ही है। जिस तरह खदान से निकलता तो पत्थर है लेकिन उसे तराश कर हीरा बनाया जाता है, इसी तरह हमें भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारना है, उसे तराशना है, फिर हम मन चाहे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। अब हम जाते हैं और आपसे विदा लेते हैं इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर इसी टाइम पर।